जी सर, सेशन स्टार्ट करें आप। माय नेम इज अकिरुन दावा। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रोल ऑफ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एज एन लाइट हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पर्सन हु एडवाइज अदर ऑन मैटर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। आई मीन मेन न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पर्सन हु हैव नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ। सिद्धार्थ जी आज सिंह, आवाज जी आ जी रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज आपकी। ओके, देन आई विल डिस्कस अबाउट द वर्क वर्किंग ऑफ सेटिंग, द वर्क इन डिफरेंट सेटिंग, द वर्क इन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट एज वेल कम्युनिटी सेंटर्स एंड दे डेवलप पॉलिसीज एंड एडवोकेसी एट डिफरेंट गवर्नमेंट एट private organization as well they work in different education departments even in such departments. Now I will define the work of doctor. Doctor is a medical professional which concern with the promoting maintenance and restoring of health through the study, diagnosis, prognosis and treatment of the disease injuries and they deal with specific health related disorders. And for the dietitian, a dietitian is basically a whole term. Dietitian is an expert who have a comprehensive knowledge on food and nutrition. They help the person to improve their health, to attain maintain a health. Dietitian educate people about good nutrition. They supervise dietary personnel, diet, they digest diet menu, and even they work in different settings like dietitian may work with individual who have most risk of health issues, like who are the most vulnerable groups like geriatric peers and pregnant ladies who are more nutrocompromised. They required a nutrition as intensive care. Now I will define dietitian. Dietitian applied basically dietetics is not a basic science, it's an art and science. Dietitian apply the art of science of human nutrition to people, understand the relationship between food and health, and make dietary choices to attain maintain health, to prevent chronic and acute illness. Now I will discuss about the role and responsibilities of dietitian. जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं डाइटिशियन, कुछ सेंटर में काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ में काम कर रहे हैं, कुछ फूड सर्विस में काम कर रहे हैं। जिस तरह आजकल हुआ है कि सना मक्की का इम्पैक्ट है इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर, उसके अलावा विटामिन सी का है, विटामिन डी का इम्पैक्ट है, इसका ट्रोकोट्राइनोज है, ट्रोकोट्राइनोज का बहुत इम्पैक्ट है। ये किस तरह फाइंड आउट होता है कि वो एक सबसे पहले वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे सेस करते हैं, ठीक है। वो उन्हें डिफरेंट सेक्टर से डेटा कलेक्ट करते हैं, देन वो इंटरप्रेट करते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, उन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की बेस पे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, उसके थ्रू वो फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ें इफेक्टिव हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, जैसे कि कोरोना अगेंस्ट हो रहा है। देन दे मैनेजिंग क्लाइंट सेंटर्ड
न्यूट्रिशन केयर फॉर इंडिविजुअल फॉर प्लानिंग एप्रोप्रिएट डाइट, लाइक इसके अलावा जितने भी जनरलाइज हेल्थ केयर प्लान होते हैं वो किनका काम है? डाइटिशियन का. फर्दर दे प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन न्यूट्रिशन प्रोग्राम विद ग्रुप्स एंड कम्युनिटी. अब जिस तरह ये WHO है, यूनिसेफ है, वो डिफरेंट किस्म के कम्युनिटी लेवल पे न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, तो वो सारे जो डील करने होते हैं वो कम्युनिटी न्यूट्रिशन ने डील करने होते हैं. इसके अलावा मैनेजिंग फूड सर्विस टू प्रोवाइड सेफ एंड नॉर्श फूड बाय डिजाइनिंग न्यूट्रिशनली विच प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मेन्यू अकॉर्डिंग टू डियर रिक्वायरमेंट्स. लाइक इन शोखान हॉस्पिटल एंड एज वेल शेख जैद हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल दे प्रोवाइड द फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड अंडरटेकिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सर्च. Now I will find about differentiate between the nutritionist and dietitian. Basically, nutritionist is a basic term. Like any person who have the degree in medical or any light medical professional, if he get a 6-month diploma in postgraduate diploma in nutrition, then he proclaimed with the title of the nutritionist. But dietitian is a different term. Dietitian is a basically a broad-based term, a person who have a 4-year medically and dietetic education as well as 1-year clinical experience, he proclaimed as a dietitian. If a person qualified exam at national level, then he proclaimed himself or herself as a registered dietitian. Now, history of dietitian. First of all, Regimenia synthetis, a manual containing precise dietetics practitioner for the maintenance of the good health and where circulate in the middle ages mein ek dietary manual tha, wo wahan pe kafi viral hua tha. Regimenia synthetis abhi bhi wahan pe kafi zyada iske upar article isme submit ho rahe. Then in 17th and 19th century different dietetics rule over the introduced by the Thomas Uslava, Justus von and Carl von. इन्होंने डिफरेंट किस्म की थ्योरी पेश की अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन. इनकी काफी ज्यादा सर्चेज और मोस्टली जो बुक्स हैं जो कि इट्स अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन की, वो इन्हीं लोगों की है काफी. नो कोड ऑफ एथिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल. लाइक देखें कि जिस तरह हमारे इस तरह कम्युनिटी लेवल पर न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं, वो आज कल क्या है कि हॉस्पिटल में वो डिफरेंट किस्म के जो नॉन ब्रांड या लोकल सप्लीमेंट्स हैं वो उन्हें रिकमेंड करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइटेटिक्स है, ही कंडक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद होनेस्टी इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस. ठीक, डाइटेटिक्स प्रैक्टिशनर सपोर्ट एंड प्रमोट हिज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिसेस. डाइटेटिक्स प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोटेक्ट क्लाइंट एंड पब्लिक एंड प्रोफेशनल राइट्स. एंड डाइटेटिक्स प्रैक्टिशनर कंसीडर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एट ऑल लेवल एट ऑल टाइम. And then practitioner, dietetics practitioner does not engage any false or misleading practices and communication. Like जिस तरह different dietitians हैं वो promote कर रहे हैं infant formula milk को, even उनमें lactoferrin है, lactoferrin है, वो deficient होते हैं, वो कभी भी mother milk का उत्पादन नहीं हो सकते, तो लेकिन वो फिर भी promote कर रहे हैं just for the sake of money, कि उन्हें कोई concern नहीं है human health के साथ, कोई concern नहीं है child health के साथ, लेकिन वो फिर भी प्रमोट कर रहे हैं कि इस तरह की मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए एज एन डाइटेटिक्स डाइटिशियन. आपका ये दैट इज योर ऑब्लिगेटरी राइट्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन न्यूट्रिशन राइट्स. नो डिफरेंट डाइटिशियन वर्क इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल डाइटिशियन. Clinical dietitian work in hospital center, nursing care systems, and they formulate a different type of diet plan according to the requirement of different patients, and they design a diet according to their amenities. मोस्टली मैंने देखा काफी कंट्रीज में, जैसे गल्फ कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पर एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू काम हो रहा है कि वहाँ पर डॉक्टर का काम है जस्ट प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन.
वहाँ पर एक डेस्क बना हुआ है, एक इंफॉर्मेशन डेस्क, न्यूट्रिशन का एक मेडिकल डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर डाइटिशियन बैठे हुए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, वहाँ पर उसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट हैं, उसके अलावा वहाँ पर जो जिसे मेडिकल परीक्षा करनी होती है BDS सेपरेट बैठे हुए हैं, हर एक का अपना अपना वर्क उसने करना है, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है कि डॉक्टर ही हर चीज प्रिस्क्राइब कर रहा है, अब एक सप्लीमेंट है वो न्यू डाइटिशियन के अलावा कोई नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी सारा डॉक्टर कर रहा है, इसलिए हम अपने फील्ड में बहुत पीछे हैं। तो ये कि दे वर्क इन अ टीम विद द फिजिशियन, फिजिशियन असिस्टेंट एंड थेरापी एंड फार्मासिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट एंड सोशल वर्कर टू प्रमोट द पेशेंट हेल्थ केयर। देन कम्युनिटी डाइट डाइटिशियन, कम्युनिटी डाइटिशियन वर्क विद वेलफेयर प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, होम केयर एजेंसीज एंड हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। दे फार्मुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ प्रोग्राम फॉर द इन्फेंट्स एज वेल फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक प्रेग्नेंट, लाइक दे प्रमोट द यूज ऑफ आयरन, फ्लेट एंड B12 फॉर प्रेगनेंट वुमेन्स एंड आयरन फॉर इन्फेंट। नो फूड सर्विस डाइटिशियन, फूड सर्विस डाइटिशियन आर मैनेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज सेक्टर स्केल फूड प्लानिंग एंड सर्विसेज, दे कोऑर्डिनेट असेस एंड प्लान फूड सर्विस प्रोसेस इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन स्कूल एंड प्रिजन, लाइक जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर उनका प्रॉपर फूड सर्विस सिस्टम है, उनके हॉस्पिटल में, उनके स्कूल में, उनको पता होता है कि हम ये हमारे जो स्कूल में जो जो न्यूनेटल है, उसके अलावा जो अडोलसेंट हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी डाइट मैनेज करते हैं, उसके अलावा जिस तरह एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन जो कि हॉस्पिटल में वर्क करते हैं वो उनका प्रॉपर उनका फाइल वर्क होता है, वो फूड सर्विस जो डाइटिशियन है वो विजिट करता है उनकी जो वार्ड को, वहां पे जाके उसके जो जितना भी क्लिनिक डाइटिशियन ने उसका मील मैनेजमेंट की होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका वो फूड प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं है अभी तक। न्यूनेटल डाइटिशियन आर दो डाइटिशियन विच बेसिकली प्रमोट द ब्रेस्टफीडिंग एंड सम न्यूनेटल आर not taking breastfeeding due to some issues, so they plan their interior or parental regimen for them which help them to promote lactation. Then pediatric dietitian provide nutrition and health advice for infant children and adolescent, like आपको पता है कि growing age में बच्चों को protein की requirements ज़्यादा होती हैं, देन एक फर्दर एक आई थिंक 12 से 14 15 ईयर में उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स कम होती है, देन लाइक पहले अगर उन्हें 1600 चाहिए देन फर्दर उन्हें 1400 पे या 1200 पे उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, तो उसकी उसी के अकॉर्डिंग वो पीडियाट्रिक डाइटिशियन स्कूल में काम करते हैं और उनके डाइटिशियन उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। देन सच डाइटिशियन आर इन्वॉल्व विद डाइटेटिक्स एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड बेवरेज कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, लाइक उनका काम रिसर्च करना होता है कि जिस तरह कुछ न्यूट्रास्यूटिकल पे रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह ट्रोकोट्राइनोल है, कुर्सिटीन है, कि इनका इम्पैक्ट है अगेंस्ट कोरोना, तो ये इन्होंने पहले इसकी कुर्सिटीन की ट्रोकोट्राइनोल की एक्सट्रैक्शन की, ये एक्सट्रैक्शन करके उन्होंने फाइंड आउट किया, तो उन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल करके फाइंड आउट किया कि इनका इम्पैक्ट है कोरोना पे, तो वो जो डाइटिशियंस होंगे वो रिसर्च डाइटिशियंस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल। डाइट प्लानर हैव डेवलप अ सेवरल वे टू सेलेक्ट अ फूड, व्हाट एवर प्लान अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लान दे यूज थ्रू दे कीप इन मिक्स ऑफ द सिक्स बेसिक डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट देर आर सिक्स बेसिक डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल, फर्स्ट इज एडिक्वेसी एंड सेकंड वन इज बैलेंस एंड थर्ड वन इज एनर्जी, फोर्थ वन न्यूट्रिशन डेंसिटी एंड फर्दर मॉडरेशन एंड वैरायटी। इन एडुकेसी, एडुकेसी क्या है कि आप जो डाइट ले रहे हो उसमें ऑल टाइप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, फाइबर हों, ठीक, उसके अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हैंडसम अमाउंट हो,
डाइट दैट प्रोवाइड द इनफ एनर्जी एज न्यूट्रिएंट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स. कि लाइक आप जो डाइट ले रहे हो वो न्यूट्रिशियस भी हो और उसमें एनर्जेटिक भी हो. ठीक है, लाइक एक पर्सन है वो चिकन ले रहा है, चिकन से उसको आयरन तो मिल रहा है लेकिन चिकन में कैल्शियम डेफिशिएंसी है. उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहेगी जिसकी वजह से वो उससे सर्वी हो जाएगी. इसी तरह एक पर्सन है वो उसका आयरन वो मिले डेयरी प्रोडक्ट, हालांकि चिकन भी डेयरी पर में आता है, मीट में डेयरी में ही आता है और इसके साथ मिल्क भी डेयरी में आता है. अब वो मिल्क ले रहा है उसे कैल्शियम, आपको पता है कि मिल्क इज अ रिसोर्स ऑफ कैल्शियम, उसे कैल्शियम तो मिल रहा है लेकिन वो डेयरी उसके अलावा वो मीट नहीं यूज कर रहा तो उसमें डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, आयरन की. कि ये है कि एडिक्वेसी में आपको ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, आपको इसका बैलेंस रखना लाजमी होता है. देन फर्दर इज बैलेंस, बैलेंस हेल्प टू इंश्योर एडिक्वेसी. इसका बैलेंस का मतलब नॉट टू मच और नॉट टू लो. कि आप जो डाइट ले रहे हैं ना वो आप कम ले रहे हैं रिक्वायरमेंट से ना ज्यादा ले रहे हैं. डाइट इन विच डाइट प्रोवाइड द इनफ बट नॉट टू मच टाइप ऑफ एनी फूड. द एसेंशियल मिनरल कैल्शियम एंड आयरन taken together illustrate the importance of dietary balance. Like fish, poultry and meat are rich source of iron but poor source of calcium. Conversely, milk and milk products are rich source of calcium and poor source of iron. No, it depends upon us how to maintain a balance about that. ke humne kis tarah balance maintain karna hai ki humko dono type ke nutrients mil jaye, ki humne two serving हमने मिल्क ग्रुप की ले लेनी है, वन से टू सर्विंग हमने मीट ग्रुप की ले लेनी है. नो कैलोरीज, कैलोरीज का आपको पता ही है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग, आपके बीएमआर के अकॉर्डिंग होती है. बीएमआर हर बंदे का डिफरेंट होता है, बीएमआर हर बंदे का डिफरेंट होता है. बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड उसका जितना उसकी एक्टिविटी फैक्टर है, उसका स्ट्रेस फैक्टर है, उसका कोई भी कोई उसका डिजीज फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी ना, कि जो हमारी इनटेक है और उसकी यूटिलाइजेशन है उसमें बैलेंस होना चाहिए. कि जब इनटेक लेवल एक्सीड होगा यूटिलाइजेशन से अल्टीमेटली हम वेट गेन की तरफ जाएंगे. जब हमारा यूटिलाइजेशन लेस होगा इनटेक से अल्टीमेटली हम वेट रिडक्शन की तरफ जाएंगे. ठीक है, ये कि इनटेक शुड बी इनफ टू सस्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज. लाइक आपको पता है कि पता होना चाहिए कि जिस तरह फिजिकल एक्टिविटीज है उसके डिफरेंट लेवल है. कि जो स्टेंट्री लाइफस्टाइल है उसको 1.2 कंसीडर कर लेते हैं, उसके मेटाबॉलिक जो बीएमआर के साथ उसे मल्टीप्लाई करके हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. उसी बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. देन न्यूट्रिशन डेंसिटी, न्यूट्रिशन डेंसिटी ये कि एक फूड है वो हमें कैलोरी तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन उसकी क्वांटिटी कम होगी. ठीक है, ये है कि हाई न्यूट्रिशन डेंसिटी फूड आर दोज विच प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर लेस फूड एनर्जी. कि हमें उसे बैलेंस अमाउंट में उसे एनर्जी मिल रही है लेकिन हम उसे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी के हमेशा आपने न्यूट्रिएंट डेंस डाइट फॉलो करनी है. Here, the nutrient of the food provide relate to the energy. It provide the more nutrient and fewer calorie, the higher the nutrient density. के एक food day अगर वो हमें ज़्यादा nutrient provide कर रहा है तो और low energy provide कर रहा है, means के वो highly nutrient dense है. एक food जिसमें energy content ज़्यादा है लेकिन उसके nutrient values की कम है, इसका मतलब है कि वो low nutrient density है. For example, कि हम 300 ग्राम मिलीग्राम कैल्शियम हम 1.5 औंस ऑफ चीज से भी हम ले सकते हैं. 300 मिलीग्राम तो कैल्शियम हम 1.5 औंस चीज से भी ले सकते हैं. वो वही हम 300 मिलीग्राम कैल्शियम हम 1 कप मिल्क से ले सकते हैं लेकिन ये होगा कि जो 1.5 औंस चीज होगी उसमें कैलोरीज ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू 1 कप ऑफ मिल्क के. ठीक है, उसके अलावा जो बाकी उसकी कंपोजिशन है, उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, एक चीज की प्रोफाइल और जो लो फैट मिल्क की प्रोफाइल, जो मिल्क है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे. फर्दर
the fat free milk then it twice as a calcium dose as a cheddar cheese ke usme jo calcium ki dose hogi agar hum uski calories ko compare kare to usme zyada hongi isliye humne prefer karna hai ki hum agar hume three apni daily requirements of calcium leni hai to hum milk ko prefer kare then further example is coca cola आप देखेंगे आपने 100 कैलोरीज लेनी है आप एक जो टिन होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली वन छोटा टिन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 120 कैलोरीज होती है तो आप वो जो अपनी 120 कैलोरीज है वो आप उससे भी ले सकते हैं वो भी शुगर का सोर्स है वही आप 120 कैलोरीज किसी फ्रूट जूस से ले सकते हैं ठीक है लाइक कैलोरीज हमें सेम प्रोवाइड करेगा लेकिन क्या होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक है जिस तरह कोक है या कोई और कोल्ड ड्रिंक है उसमें क्या होगा कि उसमें जस्ट कैलोरीज तो होंगी लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगी उसकी कि जो न्यूट्रिशन एक वन ग्लास ऑफ ग्रेप्स जूस की है वो कभी भी ए वन कैन ऑफ कोक की नहीं हो सकती इसलिए आपने प्रेफर करना है वो फूड जो कि न्यूट्रिन डेंस है एंड फर्दर मोस्ट डेफिनेशन आ जाती है इसकी एम्प्टी कैलोरी फूड की एम्प्टी कैलोरी फूड आर दो फूड दीज आर हाईली लो इन न्यूट्रिशन डेंसिटी एंड सच एज पोटैटो चिप्स कैंडीज एंड कोलास फर्दर मॉडरेशन मॉडरेशन है कि नॉट टू के मॉडरेशन है कि जो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर एग्जांपल कार्बन प्रोटीन एंड फैट्स हैं हमें उसके अंदर जो इसका एडीएम है ना एडजस्टेबल डाइटरी मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वो हमने एक मॉडरेशन अमाउंट में लेना है ठीक है जिस तरह एडीए की फाइंडिंग्स हैं सीडीए की फाइंडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि हम 45 से 65% हमने हमारी डाइट में जो पोर्शन है वो कार्ब का होना चाहिए ठीक है और 25 से 30% फैट्स का होना चाहिए 18 से 25% अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए प्रोटीन्स का ये है कि हमें ना तो हमें फैट ज्यादा ले लेनी है ना हमने कार्ब ज्यादा लेनी को एक मॉडरेशन अमाउंट में रखना है देन वैरायटी वैरायटी इज अ बेसिकली अ गुड फॉर न्यूट्रिशन अ गुड फॉर प्रिवेंट टू मच कंटामिनेंट्स वैरायटीज में ये है कि एक फ्रूट से कि हमें डॉक्टर डाइटिशियन रिकमेंड कर देते हैं कि आपने टू सर्विंग ऑफ फ्रूट्स लेनी है वो आप टू सर्विंग ऑफ जो फ्रूट्स हैं वो आप ये नहीं कि आप एप्पल ही खाते जाएं या आप बनाना ही खाते जाएं आपको वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट से लेनी होगी क्योंकि हर फ्रूट्स में अपने स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस तरह विटामिन सी रिच होता है इसमें ऑरेंज में और पोटाशियम रिच है विटामिन ए रिच होता है इस बनाना में ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिस तरह हेलो वाला आ जाएगा
याकिब साहब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें आप। शिजाब बच्चों से पूछ लो, कोई इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन असेसमेंट। न्यूट्रिशन असेसमेंट इज बेसिकली फाइंड द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट व्हाई वी कैरी आउट असेसमेंट। Sorry for interruption. The next chapter is nutrition assessment. First, I will tell you about why you carry out assessment. आप जो assessment करते हैं patients की through SOPs, SOPs जो वो आप क्यों करते हैं? First of all, assessment determine the person need of therapy. उस बंदे को therapy की कितनी ज़रूरत है? ठीक है, आपके पास एक patient आता है, आप उसे recommend कर रहे हैं, आप उसे रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने 1000 कैलोरी लेनी है, वो आप किस बेस पे कर रहे हैं? जो उसकी आप असेसमेंट करते हैं उस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलता है कि उसकी नीड फॉर थेरेपी कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन द नीड ऑफ थेरेपी। सेकंड वन, वी सेट द पैरामीटर टू प्लान अ थेरेपी। हम उसी असेसमेंट के हिसाब से हम उसके जो MNT डिजाइन करते हैं, हम उसका जो ADMR है कि हमने इसे इतनी कार्ब देना है, इतना प्रोटीन देना है, इतना फैट देना है, वो डिजाइन करते हैं उसकी असेसमेंट की बेस पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम असेसमेंट करते क्यों हैं। थर्ड वन ये के डिटरमाइन द बेस्ट मेथड टू इनिशिएट थेरेपी, कि हमें पता चल जाता है कि हम उसकी असेसमेंट से कि हमने जो इसे डाइट देनी है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ डाइट क्या रखना है, वो हमने ओरली देनी है, वो हमने इंटरनल फीडिंग देना है उसे, या उसे पार एंटरल के थ्रू देना है, या उसे NG के थ्रू देना है। ठीक है, हमें वी विल फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डाइटरी इंटरवेंशन, कि हमने उसको जो डाइट देनी है उसका हमने वे कौन सा रखना है। और सेकंड वन टू एवेल्युएट द इफेक्टनेस ऑफ थेरेपी, कि हमें लाइक हम उसकी असेसमेंट करते हैं, हम फॉलोअप पे रखते हैं, एक मंथ बाद, टू मंथ बाद हमें पता चल जाता है कि जो हमने उन्हें थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई है उसका फॉलोअप क्या है। असेसमेंट कंपोनेंट्स, देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, सेकंड वन इज बायोकेमिकल असेसमेंट ABCD, एंड थर्ड वन इज क्लिनिकल इवैल्यूएशन, फोर्थ वन डाइटरी हिस्ट्री।
मेडिकल हिस्ट्री वाई वी सेस डियर मेडिकल हिस्ट्री हैदराबाद जी सर कंटिन्यू आकिब साहब कंटिन्यू करें। असेसमेंट देर आर फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट एंथ्रोपमेट्रिक मेजरमेंट्स बायोकेमिकल असेसमेंट क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड फोर्थ वन इज डायटरी असेसमेंट इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक देयर मेडिकल हिस्ट्री व्हाई वी सेस देयर मेडिकल हिस्ट्री एनीबॉडी हैव आइडिया कोई डिजीज ना हो सर सर ताकि हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ले सके ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में कुछ ऐसा तो नहीं कोई सर्जरी हुई हो कोई डिजीज हो क्रॉनिक या इस तरह की इन्फ्लेमेशन जैसे होती है उस टाइप जिस तरह सीकेडी का पेशेंट है कि उसको जो हमने उसकी एमएनडी डिजाइन करनी होती है जो उसके ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से करनी होती है वो 15 से 95 उनकी डाइट में कोई अगर उनको कोई डिजीज हो और वो उनके हेल्थ के अगेंस्ट हो जाए ठीक है हमें उसकी सर्जरी का सर्जरी से हमें आइडिया होता है कि हमने इस पेशेंट को 1 वीक हमने ब्लेंड ड्राई डाइट पे रखना है ठीक है क्लियर डाइट देनी है क्लियर टू सॉफ्ट टू रेगुलर देनी है इसे ठीक है उसकी मेडिसिन से हमें ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन का हमें पता चलता है कि जो जो मेडिसिन ले रहा है हमने इसमें कौन कौन से फूड अलो करने जो कि इसकी अब्जॉर्प्शन को इसके मोड ऑफ एक्शन को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा करे और कौन कौन से ऐसे फूड थे जिसको हमने ओमिट करना है कि जिस तरह कुछ आयरन कैल्शियम कोटिंग कर देते हैं तो उसके जो ड्रग्स है उसकी कोटिंग कर देंगे आयरन कोटिंग कर दें जिसकी वजह से वो अपना जो एक्शन है वो एग्जैक्ट नहीं कर सकेगा तो हमने इस तरह का फूड अवॉइड करना है ठीक है उसके अलावा अगर इस तरह इतनी कॉम्प्लिकेशन में अगर ना जाए सपोज हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज्यादातर जो है ना हाइपरटेंसिव और डायबिटिक होते हैं तो उस सेंस में भी हमने इसलिए भी हम लेते हैं सर मैं वही कह रहा हूँ उसकी जो वो फिर मल्टीपल डिसऑर्डर के फॉर्म में आ जाता है फिर हम एक टैकल नहीं करते वो हम उसके जितने भी ये सिम्टम में ये साथ साथ के लाइट सिम्टम हैं हम उसकी भी एमएनटी डिजाइन के वो भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स में पेशेंट आया था फिर हमने उसका सब कुछ देखना होता है कि उसको हमने अगर वो हाइपरटेंसिव है तो हमने उसका उसको डैश डैश प्लान पर रखना होता है अगर वो सीवीडी का पेशेंट है तो वो हमने उसको लो फैट पर रखना होता है हाई प्रोटीन पर रखना होता है कि वो हमने उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी एमएनटी डिजाइन करते हैं एंड सेकंड वन इज फिजिकल असेसमेंट उसमें सेक्स है एज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट वेट एज हाइट है उसके अलावा मिड आर्म मसल सर्कमफेरेंस है हेड सर्कमफेरेंस है हेड सर्कमफेरेंस में वो उसका ब्रेन डेवलपमेंट चेक करने के लिए करते हैं उसके अलावा फिजिकली पेनस में उसके डिफरेंट किस्म की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं वो फिजिकली साइंस से हम फाइंड आउट करते हैं जैसे हेयर है स्किन अगर उसके हेयर्स हैं
स्पेरी हैं और क्वाइल लाइक्स हैं, डिस्पर्स है, और स्किन उसकी रफ है, फ्लकी है, नेल उसके ब्रिटल हैं, स्पून लाइक हैं, रिजेस हैं नेल उसकी, हमें उससे फाइंड आउट हो जाते हैं इसे कौन कौन सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो पैरालाइज और एम्पुटेशन है हमें, तो उससे भी हम उस आइडिया ले सकते हैं कि उसका ईटिंग पैटर्न क्या होगा, उसका ईटिंग टैग क्या होगा. एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वी रिव्यूइंग द पेशेंट, देयर इकोनॉमिक स्टेटस, द कल्चर बैकग्राउंड, लिविंग सिचुएशन, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, मेंटल स्टेटस, and access to adequate amount of food to maintain our health and their access to food. Okay. हम उसके साइकोलॉजी के असेसमेंट से हम आइडिया कर लेते हैं कि वो पर्सन को जो हम उसे उसका एमएनटी डिजाइन करना है क्या वो उसे फॉलो कर सकता है कि नहीं, कि या वो उसकी एथनिसिटी क्या है, उसका लिविंग स्टाइल क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन लेवल क्या है, जो हम उसका एमएनटी की टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या वो उसे फॉलो, उसी इन सब चीज़ों को उसमें देखना होता है असेसमेंट. Then dietary history. Dietary history used through following methods. Most prominent method 24-hour recall. क्योंकि 24-hour recall में हमें last 24-hour का idea हो जाता है कि उसका dietary pattern क्या होगा. अगर हम उसका food diary calculate करने लग पड़े 3 to 5 days का, वो tough हो जाता है और वैसे भी उसमें इतना हमें findings नहीं सही आती. और इसके अलावा 24-hour recall है, food diary है, food likeness, dislikening की base पे हम कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें dietary history में हमें पता चलता है कि उसमें फूड इंटॉलरेंस, फूड एलर्जी किस चीज से, तो हम उसको अवॉइड करते हैं. नो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, एंथ्रोपोमेट्रिक द रेफर टू एज अ comparative measurement of the body which is useful in nutrition assessment in order to understand the human physical variations. Measure the use of infants mein hum unka height nahi measure kar sakte kyunki wo jo chote bacche hote hain वो मतलब नहीं स्टैंड अप हो सकते 90 के एंगल पे, तो हम उनकी लेंथ मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं एंड हेड सर्कमफ्रेंसेस के वो उसका जो अबव द आईब्रोज एंड ऑक्सीपिटल बोन्स के अबव वो मेजरमेंट्स उसका स्केल से करते हैं. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स व्हिच इज आर यूजफुल फॉर एडल्ट usually include weight, height, BMI, the waist to hip circumferences and the percentage of body fat. Weight to hip circumferences को हम centimeters में लेते हैं कि waist को centimeter में over जो hip पे centimeter measure करके then उसको एक adjustment scale उसके according है कि अगर आपका इस range में आ रहा है तो वो and further BMI is weight in kilogram and height in meter square. या वेट इन पाउंड्स, हाइट इन इंच के मल्टीप्लाई 7/3. देखिए टू फार्मूलाज है बीएमआई के लिए, बीएमआई की डिफरेंट रेंजेस है. इसकी ये है कि अगर आपका 18 से ब्लो है तो आप अंडर वेट में होंगे, 18 से 24.9 तो आप हेल्दी वेट में, 25 से 30 29.9 तो ओवर वेट, 29 से 35 ओबेसिटी ग्रेड 1 एंड फर्दर 35 प्लस ओबेसिटी ग्रेड 2. तो वेट टू हिप सर्कमफ्रेंसेस that if weight to hip circumferences of the women 0.7 is considered normal and 0.9 for male is considered normal and 1 for male is considered above and the further 0.8 for female is considered above and is lying obesity. Then dietary recalls. There are some questions. What information should be collected from dietary history? The 3-day food call, meal plan, number of meals, use meal size. ठीक है कम के जो हम उसकी dietary history लेते हैं, उससे क्या find out करते हैं कि एक तो हमें find out हो जाता है कि वो जो meal ले रहा है कि वो कितने उसकी frequency कितनी उस meal की, कि एक बंदा एक दिन में 6 time meal लेता है, 5 time लेता है लेता है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता चले. दूसरे नंबर पे कि वो कितनी पोर्शन साइज ले रहा है, वो कितना सर्विंग साइज ले रहा है, हमें उसी से आइडिया हो जाता है और कि वो जो ले रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं, ये हमारा उसे डाइटरी रिकॉल से हमें आइडिया होता है.
then further what are advantages and disadvantages 24 hour recall. ये एक सिंपल मेथड है, क्विक है, डायरेक्ट है एंड लेस चांस ऑफ एरर. एंड फॉर दिस बायोकेमिकल मार्कर यूजफुल फॉर न्यूट्रिशन एवेल्युएशन के आपके टेस्ट हैं, बायोकेमिकल मार्कर हैं वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं. इसमें सीरम एल्ब्यूमिन है, परी एल्ब्यूमिन है, सीरम क्रिएटिनिन है, ट्रांसफेरिन है. ये चार बेसिक बायोकेमिकल मार्कर हैं जिसकी बेस पे हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं कि ये अनिमिक है, ये माल न्यूट्रिशन है. सीरम एल्ब्यूमिन, परी एल्ब्यूमिन, सीरम क्रिएटिनिन एंड सीरम ट्रांसफेरिन, दीज आर फोर बायोमार्कर्स. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इंपैक्ट ऑन हेल्थ के लाइक अगर बॉडी में स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो तो उसमें बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आने लग पड़ती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम डेफिशिएंसी, मोस्टली कैल्शियम डेफिशिएंसी में नंबनेस होगी, मसल एचिज पेन शुरू होगी, उसके रिकर्स फ्रैक्चर्स होंगे, मसल स्पैस्म होगा, मसल पेन होगी बहुत ज़्यादा. अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो तो उसमें इरेगुलर एरिथमिया होगा, इरेगुलर हार्ट रेट होगा, सीजर, डिजीनेस एंड वीकनेस. इन सेलेनियम डेफिशिएंसी मोस्टली वी कंप्रोमाइज impaired thyroid function, impaired cardiac function as well as and enlargement of the heart, even hepatomegaly in selenium deficiency. Edema, there are two types of edema, petit edema and non-petit edema. In petit edema, take a time if we press our skin. In zinc deficiency, loss of taste, even loss of memory. In if a person is deficient in vitamin D, you have a sign of rickets, risk of fracture, low bone density and weak bones, vitamin D deficiency se. Folic acid deficiency se increase the risk of neural tube defect, jo ke more common hai. Neural tube defect folic acid deficiency se hoga. Uske alawa wo elevate kar dega homocysteine level and anemic folic acid deficiency mostly jo pregnant women hoti hain usme iron ki folate ki B12 deficiency hoti hai. Isi wajah se unme neural tube defect hota hai, anemic bhi hoti hai, unhe fatigue feel hoti hai. Jo ke Pakistan mein 60-70% jo pregnant women hain unki requirement normally to 400 na milligram, वो उनकी 600-800 मिलीग्राम तक हो जाती है, लेकिन जो हमारा डाइटरी पैटर्न है और जो जितनी अवेयरनेस है वो नहीं फॉलो करती, जिसकी वजह से उन्हें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, उन्हें फैटीक होगी और एनीमिक होंगी. इसलिए आयरन की, फ्लेट की और B12 डेफिशिएंसी मस्ट होती है प्रेगनेंट वुमेन्स में. विटामिन सी डेफिशिएंसी सबसे पहले पूरी दुनिया में विटामिन जो डेफिशिएंसी फाइंड आउट की गई थी वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी, जिसमें स्कर्वी था, जिसमें रैशेज हो जाते, क्रैकर ऑफ द माउथ एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड पुअर एपिटाइट, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब हीलिंग ऑफ द कट, स्लो हीलिंग ऑफ द कट, ये किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की. एंड बीटा कैरोटीन डेफिशिएंसी और विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसमें मोस्टली आई डैमेज होती है, आई में उसके एक्सोपथैल्मिया होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी से, आई डैमेज होती है मोस्टली या कोरिना ऑफ द आई, ड्राई स्किन होगी इसमें. इसमें और विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी से लो रेड ब्लड सेल अनिमिया होगा, विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी से लो इसमें न्यूट्रोपिनिया होगा. न्यूट्रोपिनिया क्या है कि लो वाइट सेल्स, ब्लड सेल जो होंगे वो कम हो जाते हैं न्यूट्रोपिनिया में. मोस्टली जिनको विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी होती है उनको न्यूट्रोपिनिया भी होते हैं, वो एनीमिक होंगे, उनको पुअर एपिटाइट होगी, रिड्यूस स्ट्रेंथ, हेयर फॉल एंड एलिवेटेड होमोसिस्टीन लेवल. एंड विटामिन बी ट्वेल्व थायलोकोबालामिन, इसमें परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी से, मसल वीकनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी, इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी से होते हैं. इसलिए जितने भी सीजर के पेशेंट होते हैं या एपिलेप्सी के होते हैं उनको बी ट्वेल्व लाजमी रिकमेंड करते हैं. विटामिन ई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इट्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई. फिजिकली साइंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन के एक बच्चा है या पर्सन है उसमें माल न्यूट्रिशन है, उसका सबसे प्रोमिनेंट साइन तो ये है कि उसके जो शोल्डर होंगे वो प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है. उसका जो माल न्यूट्रिशन चाइल्ड होते हैं, जिस तरह थर में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में केसेस, उसके जो शोल्डर होंगे वो ब्रॉड होंगे,
ठीक है, बॉडी की अंदर की तरफ दसी होगी, उसकी शोल्डर ब्रॉड है, उसमें वेट लॉस होगा, कैचेक्सिया होगा, रिड्यूस इन मसल, मसल ऑटोमेटिकली जाहिर है जब माल न्यूट्रिशन होने से मसल तो कम होने, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलना, तो जो स्टोरेज प्रोटीन है या फैट से वही यूटिलाइज होना है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको मसल लॉस हो जाते हैं उनमें। उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, नॉर्मेलिटीज होंगी, ओरल चेंजेस होंगी, माउथ स्वेलिंग, लिप्स एंड क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड मसल क्रैम्प्स, पेन, जाहिर है जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलनी तो इनकी उसमें उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी होंगी, तो माल न्यूट्रिशन के बच्चे हैं या बड़े हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएंगी, स्किन चेंजेस होंगे, ड्राई पेल कलर होगा उनका, पेल आईज एंड हेयर चेंज ड्राई फ्लकी एंड कलरलेस। जी आकिब साहब, नेक्स्ट स्लाइड मील कंपोनेंट। सर आकिब, सर लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ शिजाद, शिजाद सर मैं कह रहा था ब्रेक ले लें या मतलब लेक्चर कंटिन्यू करें। तो इनसे पूछो ये एनसीपी का क्या कह रहे थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि एनसीपी का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, मतलब कह रहे थे कि एनसीपी तो नहीं पढ़ाया, वो तो एक पूरा लेक्चर है, वैसे ने बताया था एनसीपी होता क्या है। जी जी थोड़ा सा इंट्रो दे दे। चले हाँ जी जी, जिस तरह
जिस तरह हम असेसमेंट करते हैं ना उसी तरह एक एनसीपी है, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस. न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू न्यूट्रिशन केयर दैट कंसिस्ट ऑफ असेसिंग, डायग्नोजिंग, इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम एंड प्रोग्नोसिस. कि हमारे पास जो पेशेंट आता है हमने उसे असेस करना है, उसे डायग्नोज करना है, ठीक है, जो हमने इंटरवेंशन करी न्यूट्रिशनली वो अपनी इंटरवेंशन करनी है, एंड फर्दर हमने उसे फॉलोअप पे लेके जाना है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, तो देन हमने उसे एवेलुएट करना है, जो उसमें एवेलुएशन हमारी क्या आई. तो उस लाइक आपके पास एक पेशेंट आता है, वो ओबेसिटी का पेशेंट है, आपने उसकी असेसमेंट करनी है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये इसका फैमिली इशू है, ये इसका ओवर इनटेक लेने से या ये इनकी इनएक्टिविटी की वजह से, आप उसी के अकॉर्डिंग उनका मील मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है. तो असेसमेंट के बाद वो आपने उसका क्या कर लिया, डायग्नोसिस, ठीक है. जब डायग्नोसिस किया फिर आपने उसकी न्यूट्रिशन इंटरवेंशन की उनपे, कि आपने कहा कि आपने इन्हें 1000 कैलोरीज टू 1200 कैलोरी पे ले जाना है, इसमें आपने 4 से 5 सर्विंग सपोज करें कि आपने दिए इन्हें सीरियल दिए, आपने 1 सर्विंग मिल्क की दी है, 2 सर्विंग आपने फ्रूट की दिए, 3 सर्विंग आपने वेजिटेबल्स की दी है, ठीक है. तो आपने वो क्या उसमें होगी इंटरवेंशन, ठीक है. देन फर्दर आपने उसे 1 month फॉलोअप पे, 2 month फॉलोअप पे ले जाना है, तो देन आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है, ठीक है. तो आपको फिर उसी से आपको आइडिया होगा कि उसमें कितनी प्रोग्रेस है. ये सारा न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में आता है, ठीक है, कि आपका पेशेंट आता है, आप उसकी असेसमेंट करते हो, उसकी डायग्नोसिंग करते हो, उसकी इंटरवेंशन करते हैं आप अपनी, तो देन आप उसे वैल्यूएट करके तो जो जो उसमें प्रोग्रेशन आती है वो न्यूट्रिशन केयर प्लान है सारा, ठीक है. ओके जी सर, बिल्कुल. इन बच्चों को बता दें कि हम जो ये जो एनसीपी प्रोसेस है इसमें हम नॉर्मली ये असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन और मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन को हम अडाइम फार्मूला के, मतलब वो एक निकनेम दिया हुआ है अडाइम फार्मूला, और मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन आपके पास एक, यही मैंने बताया कि आप असेसमेंट करते हो, पेशेंट आता है, आप उसकी प्रॉब्लम, उसकी एथियोलॉजी, साइंस सिम्टम असेस करते हो, ठीक है, कि आप उसकी फिजिकल असेसमेंट करते हैं कि उसके माउथ क्रैक करें, आप उसी बेस पे आप फाइंड करते हैं कि अच्छा इसे स्कर्वी हो सकती है, ठीक है, इसे फंगल इन्फेक्शन, बी12 डेफिशिएंसी हो सकती है, थायमिन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है. आप तो आप उसकी जो मेडिकल जो उसका डायग्नोसिस करेंगे उस बेस पे कर सकते हैं, फिजिकली साइंस पे कर सकते हैं, उसका जो 24 आवर रिकॉल आप उस बेस पे कर सकते हैं कि इस पर्सन का ये इंटेक लेवल है तो ये एक हेल्दी लेवल है कि नहीं, आपने उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यूएशन करनी होती है वो सारा न्यूट्रिशन केयर प्लान में है. बिल्कुल. और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में हम उसके मतलब वीकली बाय वीकली फॉलो अप पे चेक करते रहते हैं कि आइदर के ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस वो कितनी है, ठीक है, डाइट प्लान का कितना मतलब वो उस पे कितना इफेक्ट आ रहा है, आइदर के जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा तो हम उसमें फिर स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं. डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें हम मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़े से मतलब बढ़ा दिए, फाइबर बढ़ा दिया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड दे दी, ठीक है. फिर उसको हम बाई वीकली मतलब या मंथली फॉलोअप पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं. अगर तो ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है तो हम फिर वही मतलब जो डाइट प्लान है या जो हमारा मतलब उसको रिकमेंडेशंस दी हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं. अगर नहीं तो हम फिर अपने प्लान को चेंज कर देते हैं, ठीक है. तो हमारा ये अडाइम फार्मूला है. अडाइम फार्मूला में मतलब हम जो असेसमेंट उसमें हम उसकी वही जो असेसमेंट के मेथड है हम उनको चेक करते हैं. डायग्नोसिस जैसे सर ने बता दिया कि हम उसकी जितनी भी वो प्रॉब्लम इटियोलॉजी साइन एंड सिम्टम मतलब PES उसको हम फॉलो करते हैं. फिर उस डायग्नोसिस के बेस पे हम उसकी इंटरवेंशन करते हैं. इंटरवेंशन के बाद हम चेक करते हैं कि उस डाइट प्लान का कितना इफेक्ट आ रहा है डिजीज के ऊपर, ठीक है. तो ये हमारा NCP प्रोसेस हो गया, ठीक है सर. ओके. और मैं चाह रहा था कि मतलब बच्चों को 15 मिनट की थोड़ी सी ब्रेक दे दी जाए, ठीक है. 10 मिनट कर लो. चले ठीक है. तो हम 7 PM पे मिलते हैं. बाकी स्टूडेंट एग्री हैं इस चीज से या कंटिन्यू करें सेशन को? सब कंटिन्यू करें. चले सर कंटिन्यू करते हैं, सेशन फिर कंप्लीट कर लेते हैं. सर बच्चों ने
बच्चों ने कंटिन्यू का कहा है तो कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। मील कंपोनेंट एंड फर्दर इज मील कंपोनेंट एंड कंसेप्ट ऑफ चेन सिस्टम के जो हमने मील मैनेजमेंट करनी है वो हमने किस बेस पे करनी है, हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि इसमें टू सर्विंग देनी है तो इसमें ये इसका सोर्सेज होना चाहिए, इतने इतने कैलोरीज होनी चाहिए, वो हमें पहले इसका मील कंपोनेंट का हमें आईडिया होना चाहिए कि ये मील कंपोनेंट्स हैं, इसमें ये न्यूट्रिएंट होता है, अगर हम ये अगर ऐड करेंगे तो इसके ये हम बेनिफिट्स होंगे। एंड कंसेप्ट ऑफ चेन सिस्टम, मील कंपोनेंट्स, देयर आर द फाइव मेजर मील कंपोनेंट्स, मीट एंड मीट अल्टरनेटिव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, grains and milk. First of all, I will discuss about the bread, cereal and pasta. ये सारा आता है cereal group में, ठीक है? इसमें ये है कि जो serves इनको further serving में divide किया गया है, कि one serving होगा ना, one serving of starch provide approximately 18 calories, ठीक है? One serving of starch provide approximately 18 calories. And in words, one serving, one slice of 50 gram, जो उसका bread का portion होगा, one slice, वो one serving होगा, मींस one serving provide 80 calories. ठीक है? उसमें one ounce ready to eat cereal is equal to one serving. Half cup of cooked, जो cereals होंगे, वो वन सर्विंग होगा, ठीक। हाफ कप राइस इज इक्वल टू वन सर्विंग, हाफ पास्ता इज इक्वल टू वन सर्विंग। लाइक सर्विंग क्या है कि इन्होंने एक सेट कर दिया है कि जो सीरियल्स है वन सर्विंग में 80 कैलोरीज होती हैं, कि जितनी भी बाकी पोर्स जितने भी अल्टरनेटिव हैं जो 80 कैलोरीज देते हैं ना, चाहे उसकी जितनी जितनी अमाउंट बनती वो उनकी सर्विंग से, ठीक है। वन सर्विंग में आपकी हाफ चपाती आएगी, वन ब्रेड आएगा, अप्रोक्सीमेटली वन एंड हाफ ब्राउन ब्रेड आएगा, थ्री से फोर बिस्किट्स आएंगे जो बेकरी बिस्किट्स होते हैं, ठीक है। हाफ कप सीरियल का आएगा, फोरेज दलिया हाफ कप आएगा, हाफ कप राइस आएगा, हाफ कप पास्ता आएगा। और फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका सारा चेन सिस्टम, तो ये हम बेसिक में आपको बता रहा हूँ। ग्रेन ग्रुप न्यूट्रिशन एंड देयर बेनिफिट्स के जो सीरियल ग्रुप में उसमें क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, फाइबर होता है बीटा ग्लूकन फाइबर होता है इसमें, ठीक है। उसकी पता है क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है फाइबर, क्योंकि वो मोपअप करता है कोलेस्ट्रॉल को, जो आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसे मोपअप करता है, बॉडी से फ्री करता है, लाइक उसे कैचअप करता है, उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है फैट्स को, ठीक है। वो उसे बॉडी से फ्री करता है, लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज लाइक इस्केमिक हार्ट अटैक, जैसे कि वो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करेगा अपने साथ, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हार्ट डिजीज के रिस्क कम हो जाएगा। रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन एंड डिवर्टिकुलाइट्स एज वेल हेमोराइज। डिवर्टिकुलाइट्स क्या है? डिवर्टिकुलाइट्स इज इसमें क्या, डिवर्टिकुलाइट्स में ब्लडी सैक्स बन जाती हैं इन कोलोन रीजन, वो क्या जब फूड पास आउट करता है तो वो उससे स्कैरिंग काज करती है इसकी जो उसकी लाइनिंग से, ठीक है। और हेमोरेज क्या है? हेमोरेज क्या, ड्यू टू द स्टकनेस ऑफ द स्टूल डिस्टर्बेंस इन द इवन ब्लडी फॉर्मेशन इन द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज हेमोरेज। के डिवर्टिकुलाइट्स में सैक्स बन जाती हैं, पोचेस बन जाती हैं, ठीक है, जिसके जो ब्लड से फिल होती हैं, तो जब स्टूल पास आउट करता है तो वो ब्रस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस डिवर्टिकुलाइट्स में और हेमोरेज में। एंड प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ फुलनेस विद फीवर कैलोरीज। यार आप जब सीरियल खाएंगे, होल सीरियल ग्रेन खाएंगे, वो आपको अल्टीमेटली फुलनेस देगा, क्योंकि ये वहां पे जाकर जिलेटिनियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। ये सीरियल का मेजर कंपोनेंट है इसका सीरियल। एंड फर्दर उसमें सीरियल में विटामिन बी होता है, थायमिन, राइबोफ्लेवन है, नायासिन है, फोलेट है, उसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं, आयरन, मैग्नीशियम एंड सेलेनियम के, ये रिचेस्ट सोर्स हैं किसमें, सीरियल्स में। रिचेस्ट जो सीरियल्स है इट इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर, विटामिन बी स्पेशली थायमिन B1, राइबोफ्लेवन एंड नायसिन B3, उसके अलावा जो
इसका फर्दर इसका ये है कि प्ले अ की रोल इन मेटाबॉलिज्म जो विटामिन बी ग्रुप्स हैं एंड मेंटेन हेल्थी नर्वस सिस्टम. फोलिक एसिड का क्या है, फोलिक एसिड यू टू क्रिएटिंग आरबीसी रेड ब्लड सेल बनाता है फोलिक एसिड, ठीक है. इसके अलावा जो न्यूरल ट्यूब इफेक्ट आता है प्रेगनेंसी में उसे उसे प्रिवेंट करता है फोलिक एसिड. वो किसमें होता है मोस्टली, ये होल ग्रेन्स में. एंड फर्दर इज मिनरल्स, सीरियल आर रिच इन आयरन मैग्नीशियम एंड सेलेनियम. आयरन इज यूज्ड टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड जो इस तरह हीमोग्लोबिन. आयरन इज यूज्ड टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड जिस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, ठीक है. आयरन क्या है, एज अ कैरियर. हीमो हीम क्या है, आयरन ग्लोबिन प्रोटीन, वो जब साथ मिलता है तो वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, ठीक है. मैग्नीशियम बिल्डर जो मैग्नीशियम है उसका बोन बिल्डिंग में है क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ मिलकर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ मिलकर करता है और रिलीज एनर्जी फ्रॉम मसल्स एंड सेलेनियम प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन. फर्दर इज वेजिटेबल्स ग्रुप. वेजिटेबल ग्रुप में ये के जो वन सर्विंग ऑफ वेजिटेबल approximately provide 25 calories, ठीक है. One serving of vegetable provide 25 calories. अब serving का क्या है कि जो one जो raw cup होता है 24, जो 240 milligrams या ml का approximately जो bowl होता है, ठीक है, वो one cup हो consider हम करेंगे. जो रा वेजिटेबल का वन कप होगा वो उसका वन सर्विंग होगी, ठीक है. अगर हाफ कप ऑफ वेजिटेबल जूस को हम कंसीडर करेंगे वन सर्विंग, ठीक है. अगर कोई आपको कहता है कि आपने एक मील मैनेजमेंट करनी है उसमें आपने फोर सर्विंग ऑफ वेजिटेबल ऐड करनी है, तो वो फोर सर्विंग किस तरह करेंगे कि आप कहेंगे कि हमने टू टाइम उन्हें कुक्ड वेजिटेबल दे दी, वो हाफ कप अप्रोक्सीमेटली वन सर्विंग, दो सर्विंग वो होगी. वन सर्विंग आपने कोई वेजिटेबल जूस ऐड कर देना और वन सर्विंग आपने सैलड ऐड कर देना, ठीक है. इस तरह हम चार सर्विंग पूरी होगी क्योंकि वन सर्विंग प्रोवाइड 25 कैलोरीज. उसमें क्या होगा, वन होल जो कप है उसका सैलड का 240 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली एंड हाफ कप ऑफ कट रॉ वेजिटेबल एंड हाफ कप ऑफ वेजिटेबल जूस होगा इसका 3/4 कप ऑफ अप्रोक्सीमेटली जो कुछ वेजिटेबल इस तरह है कि इसमें शुगर कॉन्टेंट्स होता है, ठीक है. तो उसको हम 3/4 कप को हम वन सर्विंग कंसीडर करेंगे जिस तरह पोटैटो जूस है. पोटैटो जूस को हम 3/4 कप कंसीडर करेंगे वन सर्विंग. वेजिटेबल्स में डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, रेड ऑरेंज येलो कैरेट, उसमें पेपर है, स्वीट पोटैटो है, लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स में ब्लैक बीन आ जाते हैं, किडनी बीन है, सोयाबीन है. एंड स्टार्ची वेजिटेबल में कॉर्न है, पीज है, पोटैटोज हैं, लीमा बीन्स हैं एंड अदर आर ग्रीन बीन्स हैं, बेसल ओब्रिशियस फ्रूट्स हैं, मशरूम, टमाटो एंड वेजिटेबल जूस. वेजिटेबल ग्रुप आर हैव एक्सेस ऑफ पोटाशियम, डाइटरी फाइबर एंड फोलिक एसिड. पोटाशियम का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर. डाइटरी फाइबर का भी ऑलरेडी डिस्कस हो गया उसमें ग्रुप में के वो रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन एंड फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस. फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब इफेक्ट से प्रिवेंट करता है एंड क्रिएशन ऑफ द आरबीसीज एंड फर्दर एंड वेजिटेबल आल्सो रिच इन विटामिन ए सी ई. ठीक, विटामिन ए इज बेनिफिशियल फॉर आईज स्पेशली वीजन बिकॉज इट इज अ फूड फॉर रेटिना and help to protect any infections. So vitamin E help to protect vitamin A and prevent essential fatty acid oxidation. जितने भी fatty acid की oxidation होती है तो oxidation के नतीजे में free radicals produce होते हैं. Vitamin E act as an antioxidant. वो क्या करेगा, वो जो oxidation से free radicals होंगे उन्हें वो mop up कर लेगा, ठीक है, body से free कर देगा गल्फ करके. विटामिन सी फॉर द हीलिंग ऑफ द बोन्स. उसके अलावा विटामिन सी टीथ एंड गम हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऐड इन आयरन अब्सॉर्प्शन विटामिन सी एंड फर्दर इज फ्रूट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 60 कैलोरीज ऑन वन मीडियम
जो फ्रूट है वो हमें अप्रोक्सीमेटली 60 कैलोरी देगा. तो वन सर्विंग में आपका हाफ कप ऑफ जूस कंसीडर वन सर्विंग, वन मीडियम साइज ऑफ एप्पल कंसीडर वन सर्विंग, 3 to 4 डेट्स कंसीडर वन सर्विंग. फर्दर हम इसमें क्या होगा, फ्रूट्स आर रिच इन पोटाशियम, डाइटी फाइबर, फोलिक एसिड, विटामिन सी. तो इनके सोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं. देन मिलक ग्रुप का होगा वन, जो होल मिलक है अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड 150 किलो कैलोरीज. तो लो फैट मिलक प्रोवाइड 120 किलो कैलोरीज एंड स्किम्ड मिलक प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 100 किलो कैलोरीज ऑन वन सर्विंग. तो वन कप जो होगा 240 ml का वो ने हम कंसिडर करेंगे वन सर्विंग, और 3/4 कप योगर्ट कंसिडर वन सर्विंग जो कि लो फैट होगा. मिल्क रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, B12 एंड फास्फोरस. ये इनके ऑलरेडी इनके जो फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं. मीट मीट का क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 75 जो वन सर्विंग है, जो वन औंस ऑफ मीट है वो प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 75 किलो कैलोरी जो के होल जो रेड मीट है. वो इस तरह जो फिश का मीट है वो अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 कैलोरी पर सर्विंग देगा. तो वन एग अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड 75 किलो कैलोरीज. इन विच एग योक कंटेन अप्रोक्सीमेटली 55 किलो कैलोरीज एज वेल एग वाइट प्रोवाइड 20 to 25 किलो कैलोरीज. उसके अलावा 2 tablespoons ऑफ पीनट बटर इज इक्वल टू 1 serving ऑफ द मीट. मीट आज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का आपको एज वेल पता है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्पफुल है. उसके अलावा बोन्स में, मसल्स में, कार्टिलेजेस जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, स्किन, ब्लड, एंजाइम, हार्मोन, एक्ट प्रोटीन ही एक्ट एज हार्मोन है, और एंड विटामिन ई, विटामिन आयरन. ये रिच होता है इसमें मीट में. मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा, जिंक इन नेसेसरी फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक इट प्रिवेंट इनेट इम्यून सिस्टम. एंड उसके अलावा मीट में कुछ विटामिन हैं बी ग्रुप के, थायमिन है, नायासिन है, राइबोफ्लेविन है एंड B6 है, जो बी ग्रुप के मोस्टली विटामिन हैं. तो उनका एक मेजर फंक्शन होता है कि वो बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हैं, हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम बॉडी, प्ले अ वाइटल रोल इन द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड बिल्ड टिश्यू. फर्दर इज एक्सचेंज लिस्ट फॉर मील प्लानिंग. एक्सचेंज लिस्ट क्या है? एक्सचेंज लिस्ट में फूड को उन्होंने के डिवाइड कर दिया है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, कि जिस तरह सीरियल है उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि सीरियल जो 80 कैलोरीज देगा उसके, ठीक है, 80 कैलोरीज पे उसमें इतने ग्राम फैट्स होंगे, इतने ग्राम प्रोटीन होगा, इतना ग्राम उसमें कार्ब होगा. तो उस 80 ग्राम पे उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी बनती है, ठीक है, वो उन्होंने फर्दर डिवाइड की हुई, वो है इसका एक्सचेंज लिस्ट. हम एक्सचेंज लिस्ट से सर्विंग निकालते हैं, उसी से फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितनी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें इसको सर्विंग में किस तरह डिवाइड करना है. वो हम फर्दर एक लेक्चर रखेंगे जिसमें मैं आपको सर्विंग निकालना बताऊंगा सबको. इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो हम इसके हम वैरायटी ऑफ मील चूज कर लेते हैं, ठीक है, जब हम सर्विंग निकालते हैं हमें आइडिया होता है कि इसका ये इसका जितने भी सोर्सेज हैं उसमें हर सोर्स में ये न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है. अगर हम एक रिकमेंड एज अ डाइटिशियन रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने 3 serving फ्रूट्स की लेनी है, तो हम उन्हें कहेंगे आप 1 serving ले ले बनाना से, 1 serving आप ले ले मैंगो से, 1 serving आप ले लें प्रॉन्स से, ठीक है. तो इससे हमें क्या होगा कि इससे हमें वैरायटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. उसके अलावा द चैनल सिस्टम हेल्प टू कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ मील प्लानिंग. कि इससे हम एस्पेक्ट ऑफ मील प्लानिंग कवर कर लेते हैं. पोर्शन साइज क्या है कि जो आप एक टाइम मील ले रहे हो वो होगा पोर्शन साइज, ठीक है. इस जो आप पोर्शन साइज द चैनल सिस्टम हेल्प टू पीपल टू कंट्रोल देयर एनर्जी इनटेक बाय प्लेइंग क्लोज अटेंशन टू पोर्शन साइज. पोर्शन साइज में ऐसा है कि जिस तरह आपने 2 serving सपोज करेंगे आप एक मील में ले रहे हैं इसकी सीरियल्स की,
वो आप रॉ सीरियल से भी ले सकती हैं, वो आप रिफाइंड सीरियल से भी ले सकती हैं, वो आप ओट क्रैकर से भी ले सकती हैं। ओट क्रैकर्स में क्या होगा, ओट्स में रिच सोर्स ऑफ फाइबर होगा जो अल्टीमेटली आपको वेट लॉस करेगा, ठीक है। लेकिन आपने टू सर्विंग ले ली है लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, उसमें उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी और उसका जो फाइबर कंटेंट है उसका डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन मे सिलेक्ट आइदर 17 ग्रेप्स, ठीक है, और अ हाफ लार्ज ग्रेपफ्रूट एज एन वन पोर्शन, ठीक है, कि या तो वो 17 ग्रेप्स ले ले या हाफ हाफ जो लार्ज ग्रेप्स है फ्रूट है वो ले ले, ठीक है। उसने भी 60 प्रोवाइड करनी है, उसने भी 60 प्रोवाइड करनी, लेकिन क्या होगा वो जो ग्रेप्स है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होगा, लेकिन जो ग्रेप फ्रूट है उसमें शुगर कंटेंट कम होगा, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं उससे, इवन बोथ प्रोवाइड 60 कैलोरी। कंट्रोलिंग एनर्जी बाय फैट, फैट ये कि आप जिस तरह मिल्क यूज कर रहे हैं, मिल्क होल फैट अप्रोक्सीमेटली 150 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, लो फैट 120 करता है, उसके अलावा स्कीम्ड मिल्क है वो आपको 100 प्रोवाइड करेगा, तो ये आप पे फिर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सोर्स यूज करते हैं। अल्टीमेटली आप जब स्कीम्ड मिल्क की तरफ जाएंगे आपकी न्यूट्रल लेवल तो पूरा हो रहा होगा लेकिन आपका जो फैट लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्कीम्ड मिल्क में जस्ट फैट कट होता है, बाकी न्यूट्रिएंट सेम है। सर्विंग साइज ही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सर्विंग साइज का यूएसडी ये एक्सचेंज सिस्टम, यूएसडी ने क्या किया था, उसने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसने फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसके अलावा मिल्क एक्सचेंज रख दिया, उसने कार्ब एक्सचेंज रख दिया और उसने एक रख दिया उसने फैट एक्सचेंज और एंड पे फ्री फूड्स। ये एक्सचेंज लिस्ट है यूएसडीए की ना, उसने 6 सेगमेंट से एक्सचेंज लिस्ट में यूएसडीए के, एक उसने मिल्क चेंज रख दी कि आपने जो भी लाइक अगर आपने 1500 कैलोरीज का मील मैनेज करना है तो आपने उन एक्सचेंज जो उसमें जो एक्सचेंजेस देनी वो इन 6 ग्रुप से होने चाहिए, कौन सा, मिल्क ग्रुप पे, मीट ग्रुप, स्टार्च ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर डेदर ग्रुप्स एंड वेजिटेबल ग्रुप, फ्रूट ग्रुप, फैट ग्रुप एंड फ्री फूड्स। ये ग्रुप से जो आपने जितनी मील मैनेजमेंट करनी है इन्हीं ग्रुप से करनी है और इन्हीं में से सर्विंग मैनेज करनी है। मिल्क नेक्स्ट वन इज मिल्क चेंज लिस्ट इंक्लूड मिल्क फ्रॉम वैरायटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स, ईच एक्सचेंज प्रोवाइड वन जो मिल्क है सर्विंग वन कप जो होल मिल्क है वो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो प्रोवाइड करता है 150 कैलोरी, ठीक है। उसमें 8 ग्राम प्रोटीन होगा, 12 ग्राम उसमें होगा कार्ब होगा, 0 से 8 अप्रोक्सीमेटली उसमें 7 से 8 ग्राम्स होगा फैट्स किसमें, होल मिल्क में, ठीक है। अगर हम उसे लो फैट मिल्क यूज करेंगे, लो फैट मिल्क में प्रोटीन तो सेम रहेगा 8 ग्राम्स रहेगा वन सर्विंग में, जो कि हमें 120 किलो कैलोरी प्रोवाइड करे, लेकिन क्या होगा उसमें फैट 4 ग्राम पे चला जाएगा। इसी तरह स्कीम्ड मिल्क में अप्रोक्सीमेटली 0 to 2 ग्राम तो फैट होता है लेकिन उसमें कार्ब और प्रोटीन सेम रहते हैं, और लेकिन वो कैलोरी प्रोवाइड करेगा 100 अप्रोक्सीमेटली। एंड फर्दर मीट एक्सचेंज का ये कि हमें मीट एक्सचेंज में फिश आती है, मीट है, पोल्ट्री है, एग्स है, तो अदर सी फूड्स हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है अप्रोक्सीमेटली 75 किलो कैलोरी, जो रेड मीट है 1 औंस कंसीडर करते हैं हमने 1 सर्विंग ग्राम ऑफ शुगर होगा, तो जो कार्ब होंगे उसमें 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन होंगे और 5 ग्राम ऑफ फैट होगा, ठीक है। जब हम लो फैट मीट की तरफ जाएंगे जिस तरह फिश में जो उसका प्रोटीन तो उसका 7 ग्राम ही रहेंगे 1 सर्विंग में, ठीक है, तो वो उसका जो फैट है वो 3 ग्राम चला जाएगा। इसी तरह बीन्स है, जो बीन्स है रेड बीन्स हो गया, ठीक है, उसके वो जितने भी बीन्स हैं, लोबिया है, लाल लोबिया जिसे हम कहते हैं, उसके बाद दालें हैं, पल्सिस हैं, इनमें है कि हाफ सर्विंग होती है इसकी मीट की, हाफ सर्विंग हम लेते हैं उसकी सीरियल से, ठीक है। अगर आप 1 कप हाफ कप ऑफ जो पल्सिस है वो इज इक्वल टू 1 सर्विंग है, तो उसमें हम कंसीडर करेंगे
कि उस जो वन है उसमें हाफ कप होगा सीरियल का, उसमें हाफ चेन सीरियल की होगी, हाफ चेन इसमें होगी मीट, इसकी मीट की. एंड फर्दर इज स्टार्च. वन स्टार्च एक्सचेंज, इसमें चपाती आ जाती है, इसमें फोरेज है, ब्रेड राइस है, ये सारा होगा स्टार्च में. ठीक है, ये हमें कितना प्रोवाइड करता है कि वन स्टार्च प्रोवाइड 80 किलो कैलोरीज, और उसमें 15 ग्राम ऑफ कार्ब होंगे, 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन होगा, 0 से 1 ग्राम ऑफ फैट होगा. वेजिटेबल्स एक्सचेंजेस, वेजिटेबल क्या है इन जनरल, वेजिटेबल में प्रोवाइड 25 किलो कैलोरीज, और उसमें वेजिटेबल में 5 ग्राम ऑफ कार्ब होगा, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 0 ग्राम ऑफ फैट होगा. फ्रूट्स में हम प्रोवाइड 60 किलो कैलोरीज. फ्रूट्स का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वन होल फ्रूट इज इक्वल टू वन सर्विंग, हाफ कप ऑफ फ्रूट जूस इज इक्वल टू वन सर्विंग. ठीक है, उसके अलावा 4 डेट्स इज इक्वल टू वन सर्विंग, 2 से 3 4 प्रॉन्स इज इक्वल टू वन सर्विंग, 12 से 14 जो रेजिन्स है इज इक्वल टू वन सर्विंग. इस तरह हर फ्रूट्स की डिफरेंट क्वान्टिटी के हिसाब से उसकी सर्विंग वो डिजाइन की गई है. लेकिन जो फ्रूट से रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन है उसमें 15 ग्राम ऑफ कार्बन होंगे, और वन सर्विंग ऑफ फ्रूट प्रोवाइड 60 किलो कैलोरीज. फैट एक्सचेंजेस, फैट एक्सचेंजेस क्या कि जो 1 टेबलस्पून है ना टीस्पून रेगुलर वो हमें प्रोवाइड करेगा 45 किलो कैलोरी. 1 टेबलस्पून प्रोवाइड 45 किलो कैलोरीज. ये जो जो वो स्पेलिंग आइटम में आएगा कि लाइक आप एक्सचेंजेस आप एक मील की मील के अंदर उसकी कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल आप ऑमलेट है, ऑमलेट में आपने कहना कि हमने 1 ऑमलेट 1 एग का ऑमलेट बनाया, तो उसमें 75 एग की कैलोरीज प्लस जो अगर आपने 1 टीस्पून उसमें डाला तो टेबलस्पून डाला तो वो हमें 1 टीस्पून इक्वल टू प्रोवाइड 45 किलो कैलोरीज. ठीक है, तो हम 75 प्लस 45 करेंगे, ये हम एग फ्राई इतनी कैलोरी देता है. तो 5 ग्राम दो फैट्स प्रोवाइड 45 किलो कैलोरी, क्योंकि 1 जो टीस्पून है 1 टीस्पून प्रोवाइड 5 ग्राम दो फैट्स एंड विच प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 45 किलो कैलोरी. अगर 1 टेबलस्पून की बात करें तो वो हमें 15 ग्राम ऑफ फैट्स देगा. अदर स्वीट्स एंड डेजर्ट्स, ये कि जिस तरह कोई स्वीट्स बनाते हैं उसमें आपने स्वीट्स है सपोज करें कि आपने बनाया है कस्टर्ड बनाया, कस्टर्ड में क्या क्या आएगा उसमें कॉर्नफ्लोर आएगा. कॉर्नफ्लोर क्या है एक स्टार्च. ठीक है, आपको एक कप 1 कप जो 240 ml का जो सॉरी ग्राम का कप होगा आपको उससे आइडिया होगा कि हमने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून डाली है इसकी शुगर की, तो वो आपको पता है 15 किलो कैलोरी देती है 1 टीस्पून ऑफ शुगर. ठीक है, तो अगर आपने 2 टीस्पून डाली हुई आपको उससे आइडिया कर लेंगे कि मैंने इसमें 1 एक्सचेंज तो ऐड किया इसका स्टार्च का जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 कैलोरी प्रोवाइड करेगा, अगर मैंने 2 इसमें सर टीस्पून डाली है शुगर की तो वो हमें मुझे 30 ग्राम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 1 टीस्पून इज इक्वल टू 15 ग्राम ऑफ कार्ब शुगर. ठीक है, तो आप इससे आइडिया कर लेंगे इससे जो ये कप ऑफ कस्टर्ड है इसमें कितनी कैलोरी है. फ्री फूड्स आर दोज फूड विच प्रोवाइड कैलोरीज बिलो 20 कैलोरीज, के जिनकी कैलोरी पर सर्विंग 20 से बिलो है हमें उन्हें फैट फ्री फूड कंसिडर करते हैं. जिसमें टमाटो रेडिश लीमा बीन्स लीमा कॉफी मिनरल वाटर शुगर सब्सटीट्यूट जिस सोर्बिटोल है मैनिटोल है इसमें आ जाता है. ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर, तो ये हम उसे फ्री फूड कंसिडर करेंगे. ओके, जी आकिब साहब कुछ बच्चे कह रहे थे कि मतलब आप डिफरेंशिएट कर दें डायवर्टिकुलाइटिस और हेमरेज का, तो बच्चे को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें. आकिब साहब
हाँ जी बच्चों को थोड़ा सा मतलब वो हेमरेज और डायवर्टिकुलाइटिस का दोबारा एक्सप्लेन कर दें, चैट में बच्चों ने मतलब क्वेश्चन किया था। मेरा आवाज आ रही है? जी जी डिवर्टिकुलाइटिस एंड हेमरेज क्या है? इधर टाइप ऑफ है ये जीआईटी में इन्फेक्शन होता है डिवर्टिकुलाइटिस और हेमरेज। जी ठीक है, मोस्टली जो लोअर कोलोन पोर्शन है वहां पे इन्फेक्शन होता है डिवर्टिकुलाइटिस और हेमरेज का। ठीक है, डिवर्टिकुलाइटिस में क्या है कि डिवर्टिकुलाइटिस में एक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है जो कि लोअर पोर्शन ऑफ कोलोन है उसमें पोचेस बन जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जो जो लोअर कोलन पोर्शन है वहां पर पोचेस बन जाते हैं, ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लो जो फाइबर फूड लेते हैं जिसे फूस्ट मोस्टली कॉन्स्टिपेशन में ये होता है, जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं ठीक है उनमें ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन की रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन ये है, एक तो उन्हें वो लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, ऐसी है ना? जी जी, जी जी, एक तो वो लो फाइबर डाइट ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा बिफिडो बैक्टीरिया का नाम सबने सुना होगा, मोस्टली योगर्ट में होता है, योगर्ट रिच सोर्स ऑफ बिफिडो बैक्टीरिया। तो बिफिडो बैक्टीरिया क्या है कि कोलन पे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका फूड है। ठीक है, जब हम रिफाइंड कार्ब यूज करेंगे, हर चीज रिफाइंड यूज करेंगे तो हमें ना तो बिफिडो बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है, जो कि योगर्ट के थ्रू मिलेंगे। जाहिर है मतलब अगर किसी को कोई कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड पर्सन है, ठीक है, उसने वो रिफाइंड कार्ब यूज करता रहा, अपने रिफाइंड प्रोडक्ट यूज कर, तभी हुआ है ना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डिवर्टिकुलाइटिस मोस्टली रीजन उसका होता है कि इनमें जो वो योगर्ट्स नहीं यूज कर रहा होता कि उसकी जो लोअर पोर्शन है वहां पर जो बैक्टेरियाज हैं उनकी जो प्रोबायोटिक जिस तरह प्रोबायोटिक्स हैं, ठीक है, प्रोबायोटिक फीड ऑन प्रोबायोटिक्स, तो वो उन्हें वहां पर फीड नहीं मिल रही होती। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो अटैक करते हैं जो कोलोन की लोअर इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे। ठीक है, तो वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं लाइनिंग में, जिसकी वजह से वहां पे कैंसरस पाउच बन जाते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में लोअर में। तो वो जो पाउचेस होते हैं ना सैक्स थैली होते हैं ब्लड की लोअर इंटेस्टाइन पे, तो जब फूड पास आउट करता है तो वो बर्स्ट कर जाती है। जी ये जी। क्या है डिवर्टी? ठीक है, एनी इशू? दूसरा हेमराइड है, हेमराइड में ड्यूटी का स्टकनेस होता है, फूड जो स्टूल है वो बहुत स्टक होता है, हार्डनिंग होती है स्टूल की, इतनी ज्यादा हार्डनिंग हो जाती है कि जब वो स्टूल पास करता है इंटेस्टाइन से तो वो उसकी लाइनिंग को डैमेज कर देता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन लाइनिंग का जिलाटिनियस एनवायरनमेंट बनाना होता है ना, वो बनाना होता है फाइबर ने। ठीक है, फाइबर क्या करता है, जो सोलबल फाइबर है ना, सोलबल फाइबर फूड में उस जो जो फीकल मटेरियल होता है उसमें ऐड होके उसे बल्कनेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो जिससे वो फूड सॉफ्टली मूवमेंट बॉडी से अवे मूव कर जाता है जो स्टूल होता है। ठीक है, जो नॉन सोलबल फाइबर है, नॉन सोलबल फाइबर क्या है, वो जेलाटिनियस इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा इंटेस्टाइन में, कि इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वहां पे जेलाटिनियस इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि जब स्टूल पास आउट होगा वो इजिली पास आउट हो जाएगा। जब डेफिशिएंसी होती है इसमें मोस्टली जो हेमराइड है इसमें जो फाइबर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि इसकी जो स्टूल वॉल की वो हार्डनिंग हो जाती है और इसकी इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ स्टूल। और जो डिवर्टिकुलाइटिस है वो मोस्टली कॉज बाय बिफिडो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स। ठीक है, तो के जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उन्हें फूड नहीं मिल रहा होता, क्योंकि प्रोबायोटिक फीड ऑफ प्रोबायोटिक्स, तो उन्हें फूड नहीं मिल रहा होता तो वो क्या करते हैं इंटेस्टाइनल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। ठीक हो गया, और कोई इशू? कुछ बच्चे कह रहे थे कि बीएमआई और बीएमआर को डिफरेंशिएट कर दें। बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये एक रेशो है, वेट टू हाइट रेशो। ठीक है, वेट टू हाइट रेशो बीएमआई है। तो इसके वेट टू हाइट इन पाउंड, हाइट इन स्क्वायर,
ये वेयर टू हाइट रेशियो है, तो इसके स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, इनको इस फार्मूले में पुट करके जो हमें वैल्यूज मिलती है, अगर वो 90.5 से अगर वो बिलो है वो हम उसे कंसीडर करते हैं कि ये किसमें होगा, ये मालनोश होगा, ठीक है। अगर 24.5 तक है 19.5 से, तो हम उसे कंसीडर करते हैं ये नॉर्मल है। 25 से 30 तक कंसीडर करते हैं ये ओबेसिटी में चला गया है, और 30 से 34 एंड 9.9 तक कंसीडर करते हैं कि 32-34.9 तक हम कंसीडर करते हैं ये ओबेसिटी ग्रेड 1 में, एंड देन फर्दर 35 से 14 तक ओबेसिटी ग्रेड 2 में, और उसके में बहुत ही क्रोनिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम वहां उसमें स्टार्ट हो जाता है, तो उसको 4 से 5 डिजीज टैकल कर टारगेट करती है। जो बीएमआर है, बीएमआर क्या है कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, हर बंदे का बेसल मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है। बीएमआर क्या है कि हम इस तरह एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, ठीक है, हमारी 0% एक्टिविटी, हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, एक्टिविटी हमारी 0% है, ठीक है, हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, हमारा 0 एक्टिविटी लेवल है, हम लाइक एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, या लेट ऑन है, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जितने भी और हमारे जितना हार्ट पंप हो रहा है, ठीक है, हमारी किडनी पंप वर्क कर रही है, ठीक है, लंग्स अपना काम कर रहा है, ठीक है, इन जितने हमारे इंटरनली ऑर्गन है उसके अलावा हमारी बॉडी का हीमोस्टेसिस मेंटेन हो रहा है, इन सबको मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना वो बीएमआर है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हर बंदे का बीएमआर डिफरेंट है, जिस तरह एक दो बंदे हैं, एक एक अगर 3 चपाती खाए उसका वेट नहीं गेन हो रहा, एक बंदा वो हाफ चपाती खाता है उसका वेट गेन हो जाता है, ये रीजन क्या है, ये जस्ट बीएमआर की वजह से कि उसके अंदर बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसे रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, ठीक है, जितने हमारे एंजाइम फंक्शन कर रहे हैं। एक बंदा है उसको वो बंदा अगर 100 ग्राम तो प्रोटीन लेता है, उसे डाइजेस्ट करने में 2 घंटे लगते हैं, एक बंदे को वही प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए 100 ग्राम 5 और लगे, किसी को 6 और लगे, ये क्या होगा, जब उसके डिफेक्ट आएगा उसके जो उसका एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, ये सारा जितनी ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू परफॉर्म ओवर इंटरनल बॉडी फंक्शन, ये क्या बीएमआर है। और इसके अलावा एक और सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने मेंशन किया था कि गल्फ कंट्री जो है वहां पे मतलब पूरा एक प्रॉपर चैनल जो पेशेंट है वो स्क्रीन आउट होते हैं, मेडिकल फिजिशियन के पास आता है, देन मतलब वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास आता है, फिर उसके बाद फार्मासिस्ट के पास मेडिकल जो है वो रिकमेंड होती है, देन उसको मतलब जो एक काउंसलिंग सेशन होता है, तो मतलब ये थ्रू प्रॉपर चैनल आता है, तो फिर भी मतलब अमेरिका में मतलब ओबेसिटी रेट जो है वो क्यों ज्यादा है, तो इसका तो आंसर तो बड़ा सिंपल सा है, बच्चों को थोड़ा सा मतलब आप समझा। अमेरिका में ओबेसिटी रेट इसलिए ज्यादा है कि उनका जो असल में जो डाइटरी स्टाइल है ना वो उनका है कि वो ज्यादा प्रोटीन इंटेक उनका बहुत ज्यादा है, जो प्रोटीन लेते हैं वो जो जिस तरह मीट वो बहुत ज्यादा लेते हैं, उसका जितनी वो जो सीरियल यूज करते हैं वो मोस्टली जो रिफाइंड सीरियल है वो यूज करते हैं, इसी वजह से, और उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल, उनका ये भी थोड़ा सा मतलब है कि उनका एक तो फास्ट फूड जंक फूड पे मतलब वो थोड़ा सा प्रोसेस फूड उन पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, सेकंडली एक उनका लाइफस्टाइल इतना वो एक्टिव भी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी मतलब वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ओबेसिटी रेट वहां का थोड़ा सा ज्यादा है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछे मतलब वो कह रहे थे कि बच्चे की ऑथेंटिक टेबल ऑफ कैलोरीज मतलब कोई एक मिल जाए, तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान का मतलब फूड कंपोजिशन टेबल है, उसमें मतलब ईच एंड एवरीथिंग मतलब कैलोरीज, उसमें पाकिस्तान का जो फूड कंपोजिशन टेबल है शायद उस पे ना कुछ इश्यूज हैं, उसमें कुछ काफी ज्यादा, ठीक है ना, बिल्कुल वो थोड़ा सा मतलब कन्वेंशनल है लेकिन आपकी जरूरत है उसको। हां, ये है कि इन्हें इन्हें सेंड कर देंगे ग्रुप में, जी जी, एक दो जिस तरह मेरे पास एडीए का पड़ा होगा अमेरिकन डायटरी एसोसिएशन का, एक वो सेंड कर देंगे, ठीक है, जितने जनरल जितना भी फूड है वो देख रहे हो कन्वेंशनल फूड्स के लिए इन्हें हम टेबल सेंड कर दें, जो मेरी स्लाइड्स में टेबल ऐड हुए है ना, ये जो इसका हुआ था ना, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का जो आया था फाइंडिंग, ये वही है, ठीक है, जो मैंने ऐड किए है ना ये सारे वही है।
और दूसरा मतलब उसमें ये भी बड़ा अच्छा लिखा होगा कि प्रोटीन डिटरमिनेशन मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे प्रोटीन डिटरमिनेशन हम केज या डाल मेथड के जरिए करते हैं, फैट या फाइबर के लिए मतलब उसका हम फोकलेट मेथड, मतलब मिनरल्स वाइटामिन के कंटेंट्स की डिटरमिनेशन है टू फाइंड आउट करके कंपोजीशन टेबल में। मैं ऐसा करता हूं, मैं पूरी रिपोर्ट ही वो सेंड कर देता हूं इनके ग्रुप में। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे तो उन्होंने अपना मैनुअल काला है ना, वही सेंड कर देता हूं। चलें ठीक है। उसके अलावा ना इन बच्चों को मैं जितनी जो जो सर्विंग फाइंडिंग्स ठीक है और मील प्लानिंग वो हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे कि लाइक हमने 1000 का बनाना है, 1200 का बनाना है, इन बच्चों को मैं वीडियो सेंड कर दूंगा सर्विंग कैलकुलेशंस की सारी ग्रुप में। चलें ठीक है। और सर आपका फिर नेक्स्ट सेशन है या तो फिर थोड़ा सा वेट कर लें नमाज प्लीज का, या फिर सेशन को थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। एक लास्ट हो गया कंप्लीट तीनों सेशंस। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि मतलब 4 सर्विंग वेजिटेबल की वो किस तरह कंप्लीट करनी है आपने? तो नहीं, ये असल में ये इस तरह नहीं है, इन बच्चों को बताऊंगा कि कुछ ना रूल्स हैं कि जो अमेरिकन डाइट एसोसिएशन के रूल्स है ना उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप 200 कैलोरीज से बिलो का प्लान बना रहे हैं, ईटिंग प्लान अगर आपका 200 से बिलो का है तो आपने 2 सर्विंग ऑफ मिल्क यूज करनी है। ओके शहजाद जी, जी अगर आप 2000 से बिलो का प्लान बना रहे हैं तो आपने 2 सर्विंग ऑफ मिल्क यूज करनी है। फ्रूट एंड वेजिटेबल की आपने टोटल 5 सर्विंग यूज करनी है, उसमें 2 सर्विंग होंगी फ्रूट्स की, 3 सर्विंग वेजिटेबल की होंगी। ठीक है, अगर आप 2000 से प्लस बना रहे हैं तो आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की 7 सर्विंग यूज करनी होगी, जिसमें 3 सर्विंग फ्रूट की होंगी, 4 सर्विंग वेजिटेबल्स की होगी। इनका क्वेश्चन क्या है? वो कहते हैं कि अगर 4 सर्विंग वेजिटेबल है तो 2000 कैलोरीज का प्लान है या 2500 कैलोरीज का प्लान है, उसमें हम 4 सर्विंग वेजिटेबल कैसे कंप्लीट करेंगे? वो आप ऐसा करेंगे, आप लंच और डिनर में उनको 1 सर्विंग दे देंगे एज अ सैलड। ठीक है, और 1 सर्विंग उन्हें आप एक टाइम पे उनका वेट कर। ठीक है, और जो 1 सर्विंग बचती है वो वेजिटेबल जो ब्रॉथ होता है, वेजिटेबल जूस टाइप बना के इन्हें दे दें, ब्रॉथ इस तरह बनते हैं वो, स्नेक टाइम ऐड करते हैं एक। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन मतलब अगर है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नमाज ब्रेक क्या कह रहे हैं, 5 मिनट वेट कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है 5 मिनट वेट कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम उसके बाद कर लेंगे। ठीक है।